गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 500 हार्ड डे चैलेंज का है आज तीसरा दिन। तो चलिए आज का ब्लॉग वीडियो करते हैं शुरू। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, आप जहाँ भी रहें खुश रहें मस्त रहें। तो चलिए आज का ब्लॉग वीडियो करते हैं स्टार्ट। अभी ये बना रही है खाना, कितने देर और 2 मिनट है। हमारी बाइक जो चलने के लिए है एकदम तैयार। मीटर रीडिंग आज है इसकी 2,05,233। और बाइक पे लगा चुका हूँ फोन जिसमें मैं चलाता हूँ राइड। बिल्कुल फाइनली हो चुका हूँ रेडी, बैग वैग ले लिया है, लंच ले लिया है और अब निकल रहा हूँ मैं मॉर्निंग रूट में टैक्सी चलाने के लिए। तो अभी 6:15 हो रहा है टाइम और जोन में पहुँचते पहुँचते मेरे को बच जाएंगे 6:30, क्योंकि 12 से 14 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो इस एरिए में राइड नहीं मिलती है मुझे, कभी कोई रैंडम मिल जाती है तो बात एक अलग है, नहीं तो गुड़गांव जोन में पहुंचने के बाद ही राइड आती है। मॉर्निंग का टाइम, खेत में चल रहा है फुहारा, ये देखो फुहारा चल रहा है, सिंचाई हो रही है। ओ बारिश में गए भीग भीग भीग, बचे 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 बच गए। इधर देखो ये है गेहूं का खेत, गेहूं पक चुके हैं ऑलमोस्ट, 2 से 3 दिन में बिल्कुल पक जाएगा, फिर इनकी होने लग जाएगी कटाई। 2 गाड़ियां मेरे पास फोक्सवैगन की और दोनों के दोनों ही गलत चला रहे। देखो वो 2 फीट छोड़ के चला रहा है, ये फुटपाथ पे चला रहा है। इधर फील्ड में रहना और डिलीवरी और टैक्सी राइडर का काम करना बहुत मुश्किल काम है। आज सुबह में चला रहा था टैक्सी, बाइक टैक्सी, तो एक बुलेनो वाला झिक झैक चला रहा था गाड़ी को, उसके चक्कर में 2 बार आगे से कट मार गया, तो ध्यान थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो उसके पीछे ही चल रही थी स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की, उससे हैंडल टकरा गया तो वो भी ब्रेक मार लिया, तो गिरे नहीं लेकिन उसकी गाड़ी में स्क्रैच आ गया, हालाँकि वो कुछ बोला नहीं। फिर उसके बाद में कस्टमर ऐसे ऐसे मिलते हैं ना, अगर आपको दुनिया में ना कुछ इंटरेस्टिंग जानना है तो डिलीवरी में आ जाओ या फील्ड में निकल जाओ बाइक लेके, तो आपको पता चल जाए। फिर एक कस्टमर मिला तो उसकी राइड उसने बुक करी, तो उसके पास गया लेने के लिए, तो नया आदमी था, उसको पता नहीं था एरिया के बारे में, तो लोकेशन ने गलत जगह पे छोड़ दिया। अब उसको ढूंढ ढांड के पहुंचा, तो मैंने बोल दिया था लोकेशन गलत है, अमाउंट कम ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, बोला ठीक है। तो उसमें 5 रुपये एक्स्ट्रा हो गए, तो वो बहस कर रहा है। पहले तो कह दिया कि हाँ ठीक है दे दूंगा, और फिर 1.5 किलोमीटर उसे एक्स्ट्रा भी छोड़ के आया, और फिर वो 5 रुपये के लिए बहस कर रहा है। वो भी चलो ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसके बाद एक राइड आई, तो एक बंदे ने ना वो पीसी ले रखा था डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप को लेके जाना होगा उसको कहीं, तो इतना होगा 10 कदम डिस्टेंस होगा, और जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से सीधे ही जाना है। तो बोला आ जाओ गाड़ी लेके इधर आ जाओ। अरे भाई चल के तू आ, मैं यहाँ से सेल्फ मारूँगा, 10 कदम रोकूँगा फिर घुमाऊँगा। तो ऐसे ऐसे इंसान है भाई, आलस ठीक है लेकिन यार कितना आलसी बनोगे, मैं ये सोच के हैरान हूँ। मैं इसी चीज़ से ना आइडिया लगा के बता सकता हूँ, आने वाली जनरेशन जो पढ़ी लिखी जनरेशन है ना, वो मोटापे का और आलस का शिकार रहेंगी बहुत ज़्यादा। जो तंदुरुस्त रहेगा वो फिट रहेगा, जो काम करेगा फिजिकली वही रहेगा मस्त, नहीं तो इनके बस की नहीं है। क्योंकि डिलीवरी कंपनियों ने ना लोगों को आदत ऐसी लगा दी है, ग्रोसरी डिलीवरी बेड पे हो जाती है, और आपको आजकल तो बाल कटाने हैं वो भी आप घर पर ही बुला लो, खाना बनवाना है तो बावर्ची को बुला सकते हो, ठीक है, ब्यूटी से रिलेटेड है तो अर्बन क्लैब से बुला सकते हो, दुनिया भर का है ये सब चीज़ें जो है ना, ये होम डिलीवरी सर्विस जो है ये लोगों को आलसी बना रही हैं। अब कुछ ज्ञानी लोग ज्ञान देंगे कि भाई इससे लोगों का रोज़गार चलता है, वो भाई रोज़गार अलग चीज़ है, एक आदमी काम करना है वो अपना काम तो कर ही रहा है, लेकिन उसके चक्कर में ऐसे ऐसे भी होते हैं। कल का सीन बताता हूँ, लेके गया घंटी बजाई, तो कह रहा है भाई, घंटी बजाने के बाद 4-5 मिनट बाद आया, फिर पैकेट लेके चला गया अंदर, पेमेंट देनी थी कैश, तो आया फिर उसके बाद में 5-7 मिनट बाद, मतलब भाई जल्दी कर यार लेट हो रहा है और भी जगह जाना। कह रहा भैया गर्मी बहुत हो रही है। अब उसको मैं क्या बोलूँ, उसको घर के अंदर गर्मी लग रही है और जो धूप में खड़ा उसको क्या लगेगा,
उनको यही नहीं समझ कि दूसरे इंसान को क्या परेशानी है या नहीं है, अपना कह देते हैं। तो इसी से कहते हैं ना कि आलसी तो भाई आलसी रहेंगे। मॉर्निंग का स्लॉट मिल चुका है, अभी मैं हूँ सेक्टर 17A में और 11 पैकेट मिले हैं उल्टे पुल्टे। अब देखो 3 बजे से पहले हो पाएंगे कि नहीं, उम्मीद तो लग रही है लेकिन फंसा हुआ क्योंकि 12:30 बज चुके हैं। देखते हैं, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा करने की पैकेट। ऐसा होता है जब कस्टमर अच्छे मिल जाते हैं, कहाँ तो मैं सोच रहा था कि ये मेरे को 3:15 बज जाएंगे और 2 ही बजे और रूट मेरा हो चुका है ऑलमोस्ट ख़त्म। मैं अभी हूँ लिफ्ट में, लिफ्ट में नीचे उतर के सीधा मैं चला जाऊँगा, मेरी बाइक का कुछ सामान लेना है, चैंस पॉकेट वगैरह, फिर उसके बाद जाऊँगा मेरे दोस्त के यहाँ पे। तो अच्छे कस्टमर मिल जाते हैं ना, मन खुश होता है और अच्छा भी लगता है काम करके। किसी से बहस हो जाती है ना तो फिर सारा ही दिन खराब हो जाता है। इवनिंग रूट लेने के लिए मैं निकल चुका हूँ ऑफिस और अभी हूँ सेक्टर 14 फ्लाईओवर के पास में। यहाँ से पहुँचने में मेरे को लग जाएगा तकरीबन 20 मिनट, लेकिन अगर कोई राइड मिल जाएगी तो राइड लेते हुए मैं ऑफिस निकल जाऊँगा, क्योंकि अभी है मेरे पास में 1 घंटे का टाइम। तो 1 घंटे से पहले जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, 1 घंटे तक मैं पहुँच सकता हूँ, यानी 6:30 बज रहे हैं, 7:30 का मेरा टाइम होता है। तो देखते हैं अगर कोई रूट मिल जाएगा राइड का तो ठीक है, नहीं तो फिर निकल जाऊंगा खाली ऐसे ही ऑफिस के लिए। इवनिंग का रूट लेने के लिए पहुंच चुका हूं ऑफिस, 7:30 बज चुके हैं, आज बिल्कुल ऑन टाइम पे पहुंच गया हूं। तो देखते हैं, कल के जैसे भसड़ तो नहीं होनी चाहिए आज, और जल्दी से जल्दी उठाएंगे पैकेट, जल्दी से जल्दी करके कंप्लीट और पहुंचेंगे घर, क्योंकि कल तो 5 पैकेट मिले थे और 3 ही डिलीवर हो पाए थे, उसके बावजूद भी 10:30 बज गए थे रात के। तो आज ऐसी उम्मीद करेंगे कि आज ऐसा ना हो। तो चलिए फटाफट से चलते हैं पैकेट लेने के। क्या हो रहा है, परी कहाँ गई? परी सो गई, पापा इधर आ, इधर आ। पापा, इसे अपनी बाइक पे टंगा लो। किसे? टांग दे। अल्ला रेल गाड़ी? हैं? हर चीज़ लेके आया हूँ, ये है बाइक का ब्रेक शू, ये चैंस पॉकेट, ये एक्स्ट्रा गरारी क्योंकि छोटी गरारी जल्दी कट जाती है, और ये डिस्क ब्रेक का है नट है जिसमें से एयर निकालते हैं डिस्क ब्रेक के पिस्टन में से। ओ घोड़ा, क्या है तू? कौन है तू? तो फाइनली आ चुका हूँ घर। आज सेकंड रूट में मिले थे मेरे को 3 ही पैकेट, 3 में से 2 ही हो पाए कंप्लीट। एक का कस्टमर इतना महान है, मॉर्निंग में भी लेके गया था उसे, मॉर्निंग में भी फ़ोन नहीं उठाया, और इवनिंग में भी लेके गया था, इवनिंग में भी फ़ोन नहीं उठाया, और उसके बावजूद ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑर्डर है भाई साहब, पेमेंट करके ऑर्डर करके फ़ोन नहीं उठा रहे। मॉर्निंग में किया था मैं तकरीबन 5 से 6 बार कॉल, और इवनिंग में किया था 3 बार, नहीं उठाया तो मैं फिर से उसे पोस्टपोन कर दिया। अब वो कल हो जाएगा कैंसिल ऑफिस वालों की तरफ से। तो कई कस्टमर ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें यही नहीं पता है कि हमारा ऑर्डर है तो हमें रिस्पॉन्स करना है नहीं करना, क्योंकि 2 से 2.5 घंटे की हमारी कंपनी की डिलीवरी है एक्सप्रेस ऑर्डर की, तो रिस्पॉन्स करना चाहिए। अब वो जाता है अननोन नंबर से कॉल, तो सोचते हैं पता नहीं कौन होगा, या लोन वोन वालों को पैसा नहीं भरे होंगे इस वजह से नहीं उठाते, कहीं लोन रिकवरी वाले फ़ोन तो नहीं कर रहे, तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि फिर भी मैं लेट हो गया घर पहुंचते पहुंचते, क्योंकि 10 बज गए हैं घर पहुंचने में, और आज तो ऑफिस से भी मैं निकल गया था 8:15 बजे,
सवा दो घंटे लग गए मेरे को 3 पैकेट करके भी पहुंचने में। रीज़न वही कि एक वहाँ रेलवे स्टेशन का, दूसरा सेक्टर 9 का, रेलवे स्टेशन पड़ता है सेक्टर 105 में, और एक सेक्टर 9 का था और एक था सेक्टर 10 का। मतलब डिस्टेंस ये मानो ऑफिस से रेलवे स्टेशन 12 किलोमीटर दूर, और रेलवे स्टेशन से सेक्टर 9 तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर दूर, और सेक्टर 9 से सेक्टर 10A तकरीबन 8 किलोमीटर दूर। तो इसीलिए लंबा रूट था, अगर आसपास के होते तो वो हो जाता जल्दी कंप्लीट। और घर में पहुंच चुका हूँ, घर पहुंचने के बाद वही है, अभी थोड़ा सा जब काम वाम कम रहता है, लंबे रूट के मिल जाते हैं ना पैकेट, तब थोड़ी थकान हो जाती है, तो उस चक्कर में भी थोड़ा सा रेस्ट लेके तब उसके बाद हाथ पैर धोएंगे और उसके बाद खाएंगे खाना, क्योंकि सारा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है बाहर में। और बाहर तुम लंच लेके जाओगी तो बाहर थोड़ी वो मज़ा आता है, मज़ा आता है घर पे ही बैठ के सुकून से खाने में। तो फिर हाथ मुंह धो के खाएंगे उसके बाद खाना, और खाना खाने के बाद करेंगे वीडियो को एडिट, एडिट करने के बाद में फिर वीडियो को करूँगा अपलोड। तो वीडियो लगाओ आपको अच्छा तो वीडियो कर दे लाइक, दोस्तों कर दे शेयर, चैनल पे आए हो नए चैनल कर ले सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।